सच साहस सरोकार। पीएम नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन। 296 किलोमीटर लंबा है यह हाईवे। सीएम एकनाथ शिंदे ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने का किया ऐलान। उद्धव सरकार के फैसले को बताया गैर कानूनी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, कन्हैया हत्याकांड में बीजेपी नेता ने थाने में किया था फोन। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा केस, 56 लोगों की मौत। पाकिस्तान दौरे से पहले सिक्योरिटी जांच का इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। सितंबर में शुरू होनी है T20 और टेस्ट सीरीज। और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो चलिए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालौन में 256 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। एक्सप्रेसवे के निर्माण से दिल्ली से चित्रकूट की दूरी लगभग आधी हो जाएगी। पीएम मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए लोगों को बधाई दी। जिस धरती ने अनगिनत शूरवीर पैदा किए, जहां के खून में भारत भक्ति बहती है, जहां के बेटे बेटियों के पराक्रम और परिश्रम ने हमेशा देश का नाम रोशन किया है, उस बुंदेलखंड की धरती को आज एक्सप्रेसवे का उपहार देते हुए उत्तर प्रदेश का सांसद होने के नाते मुझे बेहद खुशी हो रही है। तो आपको बताते चले कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी सौगात देते हुए उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिया है। तो आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि ये एक्सप्रेसवे प्रदेश के 7 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिसके बाद यह एक्सप्रेसवे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर आकर खत्म होगा। तो आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे थे। तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब बुंदेलखंड का भी विकास होगा और बुंदेलखंड के विकास को अब कोई नहीं रोक पाएगा, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज की गई है। वहीं आपको बताते चले कि जब भी बुंदेलखंड का नाम सामने आता था तो अक्सर यही निकल के बातें सामने होती थी कि बुंदेलखंड अपने जो सूखा है, अपने सूखे के लिए जाना जाता था, जो किसान है वहां के हमेशा परेशान रहते थे, हमेशा एक पिछड़े क्षेत्र में बुंदेलखंड को गिना जाता था। लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे के बनने से जो कलंक 75 सालों से बुंदेलखंड के ऊपर था, वो हटने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, जिससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि अब वहां की जनता का विकास भी हो सकेगा। योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कानून व्यवस्था भी सुधरी है और कनेक्टिविटी भी तेज से सुधर रही है। आजादी के बाद के 7 दशकों में यूपी में यातायात के आधुनिक साधनों के लिए जितना काम हुआ, उससे ज्यादा काम आज हो रहा है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट से दिल्ली की दूरी करीब करीब 3-4 घंटे कम हुई है, लेकिन इसका लाभ इससे भी कई गुना ज्यादा है। ये एक्सप्रेसवे यहां सिर्फ वाहनों को गति देगा इतना ही नहीं है, बल्कि ये पूरे बुंदेलखंड की औद्योगिक प्रगति को भी गति देने वाला है। कोरोना महामारी के बावजूद समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को करते हुए 28 माह के अंदर 296 किलोमीटर लंबे 4 लेन के
जिसे 6 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में बुंदेलखंड को 2014 के बाद विकास, जन सुविधाओं और ईज ऑफ लिविंग की उन सभी सुविधाओं का लाभ मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिसके लिए दशकों यहां के लोगों ने आजादी के बाद प्रतीक्षा की। आज हर बुंदेलखंडवासी आपके नेतृत्व में गौरव और गरिमा महसूस करता है, क्योंकि बुंदेलखंड के विकास को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए और प्रत्येक उत्तर प्रदेशवासी और भारतवासी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए आपने जो दिशा पूरे देश को दी, उत्तर प्रदेश उसी को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज आजादी का जो अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, बुंदेलखंड सूखे की समस्या का समाधान करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ा है। तो आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को एक नई सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई। इस दौरान बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकार्पण किया गया, जिसकी तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से इस कार्यक्रम में लोगों का भारी हुजूम देखने को मिला। साथ ही साथ लोगों के चेहरे पर खुशी भी देखने को मिले कि आखिरकार इतने वर्षों के लंबे इंतजार के बाद अब उनके क्षेत्र का भी विकास होगा, उनका भी विकास होगा। यही वजह है कि इस एक्सप्रेसवे को सीधे तौर पर ऐसा देखा जा रहा है कि ये एक्सप्रेसवे अब जनता को रोजगार देने का काम करेगी, साथ ही साथ जो किसानों की मुश्किलें हैं उसको भी हल करेगी और इसके साथ ही पर्यटन क्षेत्र में भी कई बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण पर सवाल उठाया है, जिसका करारा जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट के जवाब में लिखा है कि हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को निश्चित समय अवधि से 8 महीने पहले ही पूरे कर लिया है और जनता की गाढ़ी कमाई से 112 करोड़ रुपए भी बचाए हैं। आपके समय में लूट घसोट और बंदरबाट के लिए जानबूझकर परियोजनाएं लंबे समय तक लटकाई जाती थी। गनीमत है कि हर बार की तरह आपने ये कहकर अपनी जग हसाई नहीं कराई कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम हमने शुरू किया था और फीता कोई और काट रहा है। साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव ने आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर जहां एक तरफ सवाल उठाए थे, तो वहीं औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने भी उनके ट्वीट पर पलटवार करते हुए उनके शासनकाल में किए गए परियोजनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि गनीमत यह रही कि अखिलेश यादव ने इस बार ये नहीं कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम सपा सरकार के कार्यकाल में शुरू किया गया था, जबकि फीता कोई और काट रहा है। लखनऊ के लूलू मॉल के बाद अब चारबाग स्टेशन पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हो रहा है, जबकि सार्वजनिक स्थान पर किसी भी तरह की धार्मिक प्रार्थना की अनुमति नहीं है। वह इस पूरे मामले को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी जीआरपी पुलिस से मुलाकात करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्टेशन पर बनी मजार अवैध रूप से बनी है और जमीन को मुक्त कराने का प्रयास भी किया जाएगा। लखनऊ के स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वहां पर नमाज पढ़ी गई, उसको लेकर के आज मैं विरोध स्वरूप आज जीआरपी पुलिस लखनऊ के अधिकारियों से मिलूंगा और का विरोध जताऊंगा। इसी के साथ वहां पर एक मजार बड़ी बनी हुई है, वहां पर बिना प्लेटफॉर्म टिकट लिए हुए लोग वहां अंदर जाते हैं आते हैं। कोई भी ऐसी स्थिति जो अराजक हो सकती हो उसको निपटने के लिए प्रशासक वहाँ कार्रवाई करनी चाहिए। वहाँ अवैध रूप से जो जमीन कब्जा कर रखी है उसको रोकने का प्रयास वहाँ के अधिकारियों करना चाहिए।
अलीगढ़ में जानवरों के प्रति समर्पित संस्था एनिमल फीडर्स के इस महीने की 20 तारीख को 2 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसी दिन एनिमल फीडर्स संस्था नगर निगम अलीगढ़ के साथ मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, जिसका उद्देश्य जानवरों के प्रति बढ़ती क्रूरता की रोकथाम के लिए समाज में जागरूकता फैलाना और एक संदेश देना है। इस कार्यक्रम को नगर आयुक्त गौरांग राठी और अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार गुप्ता के निर्देशन और संरक्षण में संपन्न किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कमिश्नर गौरव दयाल भी उपस्थित रहेंगे। फीडर संस्था जो है वो जानवर के प्रति बहुत समर्पित है, उसे 20 जुलाई को 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसके संबंध में हमने नगर निगम की सहकारिता के साथ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें हम लोग पशु क्रूरता के ऊपर एक डिस्कशन रखने वाले हैं वहाँ पे, और एक कैंपेन की तरह है ये चीज़, जिसमें अन्य संस्थाएं भी वहाँ पे मौजूद होंगी और विशेष अतिथि के रूप पे वहाँ पे हमारे कमिश्नर जी भी वहाँ पे मौजूद होंगे। और ये मेनली जो मेन मुद्दा है इस चीज़ का वो यही है कि जो पशुओं के ऊपर क्रूरता हो रही है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोगों की सोच बदलनी बहुत ज़रूरी है, जहाँ लोग जैसे कि हमने भी पिछली बार एक कार्यक्रम बहुत रखा था, एक फंक्शन टाइप का रखा था, जब 2 साल पूरे हम सबको उस चीज़ की बड़ी खुशी थी। इस बार भी हम लोग वैसा करते, बट जब मैंने देखा कि जिस पशुओं के ऊपर ये क्रूरता हो रही है तो क्यों ना एक कैंप। बदायूं के जिला महिला अस्पताल में शहर विधायक और पूर्व राज्य मंत्री महेश गुप्ता ने आजादी का 75वें महोत्सव के दौरान 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड बूस्टर डोज लगाने के अभियान का फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसकी तस्वीरें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा ये अपील की गई थी कि जो भी युवा है उन्हें अब बूस्टर डोज लगवानी चाहिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया कि अब जो देश की जनता है उसको बूस्टर डोज लगाई जाएगी। तो आगामी 75 दिन तक इस बूस्टर डोज को लगाया जाना है, जिसका बदायूं में शुभारंभ किया गया है। ये कितने दिनों तक चलेगा कार्यक्रम? चलेगा पूरा ही। इसमें आपको 18 साल से बड़े बच्चे, वयस्क बच्चे या बड़े, जिन लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड डोज लगाई है उनको तीसरी डोज के लिए बूस्टर, जिसको हम लोग कहते हैं, क्रेडिट करके लगाए हैं। सोनभद्र में अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में हर सेवानंद इंटर कॉलेज चुर्क में साइबर जागरूक अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत साइबर अपराध जैसे सिम कार्ड के माध्यम से होने वाले फ्रॉड, एटीएम कार्ड बदलकर होने वाले फ्रॉड और डेबिट कार्ड जैसे कई साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इसी कड़ी में यातायात नियमों के बारे में भी जानकारी देते हुए उनका पालन करने की लोगों से अपील की गई और उनको जागरूक भी किया गया। साथ ही मिशन शक्ति अभियान के तहत सरकार द्वारा जारी विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर प्रभारी निरीक्षक रॉबर्ट्सगंज, यातायात प्रभारी और कॉलेज के प्रधानाचार्य, शिक्षक गण के साथ बच्चे भी मौजूद रहे। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 गुलमोहर पार्क के पास रहने वाले लोग बंदरों के आतंक से खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। बंदरों ने इतना आतंक मचा रखा है कि बूढ़े बुजुर्ग और बच्चे घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। आए दिन किसी न किसी को बंदर अपना शिकार बना लेते हैं और घरों में घुसकर सामान का भी काफी नुकसान कर चले जाते हैं। वहीं बंदरों से अपना बचाव करने के लिए अब लोगों को घरों में जाल लगाकर रखना पड़ रहा है। मैं वॉक कर रही थी तो बंदरों का पूरा ग्रुप आया हुआ था, तो छोटे बंदर ने मुझको यहाँ पे और हाथ में काट दिया था। बंदरों ने काट दिया था? कहाँ रहते हैं आप? मैं सेक्टर 3 3259 हाउस नंबर 3259 ए में रहती हूँ। हम बुजुर्ग हैं, बिल्कुल बाहर ही नहीं निकल सकते हैं। मन करता है कभी पार्क में जाए, यहाँ तो बंदर इतने हैं। मैं तो आराम से जा रही थी, आए और बिल्कुल पकड़ लिया मेरे को। तो आपको काट गया? काट गया, छुड़ा ही नहीं पाई, 2-3 बार पीछे हटी फिर भी काट लिया। परेशानी तो इतना, बंदरों ने आतंक मचा रखा है अपना कि हम पिंजरे में और बंदर बाहर घूम रहे हैं। हमने मैंने अपने पूरे घर में जाल लगा रखा है, लेकिन फिर भी बंदर घुस गए। और रात में मेरे पिताजी की कान की मशीन थी जो 40,000 की थी, उसे दांत से चिवा गए और हमारे शीशे भी तोड़ के गए।
तो इतने हम लोग आतंकित हैं कि वो चलना फिरना मतलब घरों से निकलना हमारा मुश्किल हो गया। क्या बड़े क्या बच्चे क्या बुजुर्ग किसी को भी वो छोड़ते नहीं है। यहाँ पार्क में बंदर काफ़ी हो रहे हैं, नुकसान करते हैं, काट जाते हैं। ये गुलमोर पार्क है हमारा। कहाँ पड़ता है गुलमोर? ये सेक्टर 3 हाउसिंग बोर्ड में। अच्छा, हाँ जी। तो कितनी परेशानी आ रही है? परेशानी इतनी आ रही है, एक बार तो हम लोगों ने पैसे इकट्ठे करके लंगूर को रखा था 15 दिन, फिर उसके बाद कुछ दिन बंद रहे, फिर लंगूर मतलब फिर बंदरों की प्रॉब्लम आई, फिर हमने MCF में कंप्लेंट करी। MCF वालों ने यहाँ पिंजरा भेज दिया, पिंजरा रखा रहा 15-20 दिन, और लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ना ये सॉल्व नहीं हुई। हरदोई के मोहल्ला आजाद नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक ऑटो रिक्शा चालक की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के पिता ने बहू और उसके भाइयों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब हम इनके पिताजी हैं। इस लड़के को इन्होंने मारा है, इन्होंने औरत ने, बड़े वाले साले ने, और एक छोटा साला है। ये नाम बताओ भाला। धर्मेंद्र बड़ा साला है। क्या वजह? क्या वजह? तो इन्हें कई घर बर्बाद कर दिए इसके बाप ने। दारूबाज है वो इसका बाप। धर्मेंद्र नामक व्यक्ति है, लगभग 40 वर्ष का, आजाद नगर मोहल्ले है थाना कोतवाली में। इसकी डेड बॉडी के विषय में परिजनों ने पुलिस को सूचना दिया था सुबह। बॉडी उस समय जमीन पर रखी थी बर्फ़ के ऊपर। संदेहास्पद परिस्थितियां हैं और मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है। हो सकता है कि इसमें कोई ऐसा विकृति किया गया हो। परिजनों को भी कुछ संदेह है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसा आती है और जो भी परिजनों द्वारा तहरीर दिया जाता है उसके हिसाब से। हरदोई में फल सब्जी मंडी के पीछे हरिपुरवा में एक पुजारी ने अपना गला काटकर आत्महत्या कर ली। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है जिसमें आत्महत्या के लिए किसी को जिम्मेदार उन्होंने नहीं ठहराया है। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम संजय द्विवेदी है और घर पर अपनी पत्नी अनीता और 3 पुत्र के साथ वो रहते थे। घर के ऊपर एक कमरे में उन्होंने मंदिर बनवा रखा था और उसी में ज्यादातर रहते थे। रात में भी वो वहीं पर रहते थे। काफी देर तक कोई आहट नहीं मिलने पर उनकी पत्नी ऊपर गई तो कमरा बंद था, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी हुई। हरिपुरवा फल मंडी के पीछे एक कस्बा है जिसमें संजय कुमार द्विवेदी सनाब श्री राम द्विवेदी उम्र 50 साल इन्होंने ग्राइंडर से अपना गला काट लिया है, जिससे उनकी ऑन स्पॉट मृत्यु हो गई है। और उन्होंने एक सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें वो लिखे हैं कि इसमें परिवार वालों का और किसी का कोई दोष नहीं है, मुझे महाकाल बुला रहे हैं और मैं सावन के पवित्र महीने में महाकाल के पास जा रहा हूं और विधिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली में लालगंज कोतवाली क्षेत्र के एहार गांव में आंखों में मिर्ची झोंककर महिला से लूटपाट की घटना को अंजाम दे दिया गया। महिला की आंखों में मिर्चा झोंककर बदमाशों ने चैन छीन ली। ये लूट की घटना देर रात घर के दरवाजे पर ही हुई। वहीं पीड़ित महिला के पति के मुताबिक कट्टा लगाकर बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। वहीं बाइक सवार बदमाश घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद महिला को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां महिला का इलाज चल रहा है। वह इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की अब जाँच पड़ताल में भी जुट गई है। जो बालेश्वर मंदिर के पुजारी हैं झिलमिल महाराज, उनकी पत्नी गाय को चोटी देने जा रही थी, घर से मात्र 10 मीटर की दूरी थी, वहीं पर जा रही थी। उसी समय की ये घटना बताई जा रही है। वहाँ पर मैं भी इंस्पेक्टर से भी मौका मुआयना किए हैं, पंडित जी से भी बात किए हैं, तहरीर दे रहे हैं पंडित, तो आगे की कार्रवाई की है। इसके पूर्व भी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। शुक्ला नाम की 47 ईयर की महिला आई थी और इनके हस्बैंड का नाम है जीने, ये लालगंज खाना कराने वाले हैं।
बाकी इन्होंने आया तो महिला ये बता रही थी कि उसकी आँखों में जलन हो रहा है और किसी ने उसकी आँखों में कुछ फेंका है। बाकी एग्जामिन करने बाद हमको तो ऐसा कुछ लगा नहीं, फिर भी हमने कंप्लेंट देखा, उसको एडमिट कर दिया, बाकी उसका ट्रीटमेंट करने के लिए आई सर्जन। बगल में अहार गाँव पड़ता है, वहाँ पर हमारी पत्नी घर में थी। लगभग शाम को 8 बजे के करीब वो घर से बाहर दरवाजे पर निकली, वहाँ पर पहले से 2 बदमाश मौजूद थे, जिनमें कि एक ने आकर के हमारी पत्नी को असलाह लगा दिया, दूसरे बदमाश ने अपने हाथ में मिर्च लिए रखा था, उसने आँखों में मिर्च झोंक दिया और उनका मुंह बंद कर दिया, जिससे वो चिल्ला भी न सकी और उनके गले में पड़े हुए आभूषण छीन कर भाग। हरदोई में कोतवाली शहर क्षेत्र के बहलौली गांव में घर के आंगन में थूकने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। मारपीट में दोनों ही पक्षों से करीब 13 लोग घायल हो गए। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और घायलों को तत्काल एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर 2 लोगों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। ग्राम बहलोली चौकी लालपालपुर और थाना कोतवाली शहर में बहलोली में एक ही परिवार के लोग रैदास परिवार के थे और बच्चों के गुटखा खा करके थूकने के विषय में विवाद हुआ, छोटे छोटे बच्चों के, और फिर विवाद आपस में बढ़ा, दोनों लोग एक दूसरे को ललकार करके सड़क पर आ गए और आने के बाद आपस में लाठी डंडा लेकर के एक दूसरे से जम करके मार हुई, जिसमें एक तरफ से 7 आदमी को, एक तरफ से 5 आदमियों को गंभीर चोटें आई हुई हैं। सारे लोग जिला अस्पताल में एडमिट हैं, इनका उपचार चल रहा है, तहरीर लेकर के कानूनी कार्रवाई आगे की जाएगी। अलीगढ़ में एएमयू कैंपस में आर्ट्स फैकल्टी के सामने यूनिवर्सिटी की इंजीनियरिंग छात्रा से मोबाइल छीन कर बाइक सवार 2 युवक भागे, जिसके बाद यूनिवर्सिटी टीम ने पीछा कर बाइक सवार दोनों लुटेरों को पकड़ लिया। पकड़े गए युवकों के पास से 4 बाइक बरामद कर सिविल लाइन पुलिस के हवाले उन्हें कर दिया गया है। मेरा नाम हिबा खान है, मैं लाइब्रेरी अपने रूम से लाइब्रेरी जा रही थी, तभी उसी दरमियान मेरा मोबाइल एकदम से छीन लिया गया अचानक से। तभी मेरे भाई ने मेरी हेल्प की और डॉक्टर ऑफिस ने भी काफ़ी हेल्प की मेरी। कहां पर छीना था, कौन सी जगह? लाइब्रेरी के आसपास ही, गेस्ट हाउस से जस्ट आगे घूम रहे थे। फिर क्या किया? इन्हें मोबाइल छीन लिया। किसका? एक लड़की का। किसने छीना? तुम इसके साथ थे। क्या नाम तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? मैं डॉक्टर की गाड़ी के साथ ही आ रहा था, बैंक से आ रहा था, तो ये बीसी कोटी के सामने सुल्तान भाई के साथ आ रहा था जो प्रॉक्टर में है, तो उन्होंने देखा तो मैंने उस पर लड़कियों को देखा था, ये बहन जा रही थी पीछे से, तो हम लोग बात करते रहे तो मोबाइल जब छीना गया था, तो प्रॉक्टर ने भी गाड़ी आगे बढ़ा ली अपनी, जो कार में थे वो स्पीड से गाड़ी बढ़ाई, उसके बाद वहाँ उन्हें पकड़ लिया था, तो मोबाइल वाइल छूट गया था, वो फिर वहाँ से बाबा साहेब गेट से भाग गए। आज जो एक घटना हुई है थोड़ी देर पहले की बात है कि उसमें एक बच्ची बी की, जिसका नाम हिबा खान है, वो जा रही थी, उससे इन्होंने मोबाइल छीन के और ये भागने की कोशिश की कैंपस से निकलने की, तो हमारी फोर्स इसके पीछे लगी हुई थी और हमारे एक सिक्योरिटी असिस्टेंट हैं फिरोज़, उन्होंने इसको पीछा किया और ये एडीएम कंपाउंड के पास जाके इसको घेर लिया और घेर के इसको हमने इसको पकड़ा है और इसके पास से 4 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिसमें से एक इस बच्चे का मोबाइल था और उसको हम लेके प्रॉक्टर ऑफिस आए हैं और लीगल कार्रवाई इसके खिलाफ करी जा रही है। अलीगढ़ में अवैध मदरसों पर कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन अब पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं मदरसों को होने जा रही कार्रवाई को लेकर जिला प्रोबेशन अधिकारी स्मिता सिंह ने बताया कि जिले में कुल 120 मदरसे हैं, जिनमें 4 मदरसे अनुदानित हैं, जबकि 33 मदरसे हैं जो आधुनिकीकरण पर आधारित है, बाकी मान्यता और गैर मान्यता प्राप्त मिलाकर कुल 120 मदरसे जनपद में है। इसमें शासन स्तर से एक जांच कमेटी बनाई गई है, जिसके तहत आधुनिकीकरण पर आधारित मदरसों पर जांच की जाएगी। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरो